2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून बृहस्पतिवार दोपहर 1:41 के करीब शुरू हो रहा है। खास बात, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत के बहुत कम हिस्सों में, यानी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ये बहुत थोड़े तौर पर नजर आएगा। जनरली ये जो सूर्य ग्रहण है, ये नॉर्थ पोल वाली जो कंट्रीज हैं, जैसे उत्तरी कनाडा या यूरोप के ऊपरी हिस्से या रशिया, इन हिस्सों में पूरी तरह से नजर आएगा। लेकिन फिर भी ये पार्शियल सूर्य ग्रहण है, ये कंकण सूर्य ग्रहण है जिसमें एक रिंग जैसी शेप बन जाती है। ये पूरी तरह से सूर्य को ढकने वाला ग्रहण नहीं है। लेकिन ये ग्रहण भी जो है, हर ग्रहण की तरह देश दुनिया के घटनाक्रम पर, भारत के घटनाक्रम पर बहुत गहरे प्रभाव छोड़ने जा रहा है। मैं अपने पिछले वीडियोस में हमेशा से ये शेयर करता आया हूँ कि हर साल में 2 सूर्य ग्रहण होते हैं और हर सूर्य ग्रहण जो है अगले 6 महीने के घटने वाले घटनाक्रमों का संकेत दे देता है। फिर वो घटनाक्रम चाहे देश में होने वाले घटनाक्रम हो, दुनिया में होने वाले घटनाक्रम हो, या आपकी जन्म कुंडली में आपके साथ घटने वाले घटनाक्रम हो, इन सभी घटनाक्रमों का एक संकेत जो है सूर्य ग्रहण के थ्रू हमें मिल जाता है। तो इस साल का जो सूर्य ग्रहण 10 जून को लग रहा है, भारत के लिए ये किस तरह के घटनाक्रम लेकर आ रहा है? ये सूर्य ग्रहण लगेगा भारत की कुंडली के लग्न में, फर्स्ट हाउस में, और इसमें ग्रह इन्वॉल्व रहेंगे 4 ग्रह। कौन कौन से 4 ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, राहु या केतु का तो हमेशा से ग्रहण में कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन साथ में जो अलग से ग्रह ऐड होता है, उसका सबसे बड़ा रोल होता है घटनाक्रम को डिसाइड करने में। तो इस बार ग्रह जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हैं बुध। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बुध इस बार स्पेशल मूवमेंट में है, कुछ ज्यादा देर के लिए ये वृष और मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये बुध जो है किस तरह का घटनाक्रम ग्रहण के थ्रू हमें दे सकते हैं? बुध प्लैनेट होते हैं प्रसार के, बुध प्लैनेट होते हैं कम्युनिकेशन के। अच्छे बुध हो तो ये कम्युनिकेशन जो है हमारे फायदे के लिए होती है। फिर ये कम्युनिकेशन जो है हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाती है, ये हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन लेकर आती है। लेकिन यही बुध जब नेगेटिव एनर्जी देते हैं इस ग्रहण के थ्रू, तो फिर ये कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बन जाती है। तो इस साल में, अगले 6 महीने में किस तरह के घटनाक्रम होने की आशंका है, वो घटनाक्रम जो कम्युनिकेशन की खराबी की वजह से हो। हो सकता है कि मीडिया का कोई स्कैम सामने आ जाए, हो सकता है मीडिया किसी स्कैम को सामने लेकर आए, या ये भी हो सकता है कि मीडिया के मैनिपुलेशन के कारण कोई बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बन जाए। और ये केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया की सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहां पे ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से दिख रहा है। जहां नहीं भी दिख रहा है, सूर्य ग्रहण के प्रभाव तो वहां पे भी आएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है कम या ज्यादा हर देश को नजर आता है और अपने अपने तरीके से नजर आता है। खैर, हम बात कर रहे थे भारत की, भारत के चार्ट की, और भारत के चार्ट में ये सूर्य ग्रहण लेकर आएगा कम्युनिकेशन से होने वाली खराबियां। और भारत के चार्ट में ये सूर्य ग्रहण इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये मृगशरा नक्षत्र में लग रहा है, तो मृगशरा नक्षत्र से उपजने वाली जो भी दिक्कतें होती हैं सूर्य ग्रहण के थ्रू आएंगी। ये दिक्कतें हो सकती हैं भारत के डिफेंस सिस्टम को लेके, ये दिक्कतें हो सकती हैं भारत के बड़े लीडर्स की, या भारत के अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की सलामती को लेके भी कुछ आशंकाएं। यानी इस सूर्य ग्रहण के अगले 6 महीनों में ये आशंका बहुत पक्की बन रही है कि किसी तरह से भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ना कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो है उनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, इवन उनकी लाइफ तक को थ्रेट आ सकता है, और इवन भारत के किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की लाइफ को या वेल बींग को भी कोई थ्रेट आ सकता है। और अगर बात करें मार्केट्स की, तो इस समय में शेयर मार्केट जो है एक बहुत लंबे समय तक बहुत उतार चढ़ाव से निकलेगी, और इसमें ज़्यादातर शेयर मार्केट के डाउनवर्ड जाने का ट्रेंड जो है वो बन रहा है। सोने के रेट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से गुजरेंगे और फिर वापस एक लो की तरफ जाने भी शुरू होंगे। हालांकि सोने के रेट्स बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएंगे, एक डिप लेके वापसी की तरफ भी अग्रसर होंगे, लेकिन ओवरऑल अगले जो 6 महीने हैं, चाहे गोल्ड के लिए ले लें चाहे शेयर मार्केट के लिए ले लें, ये बड़े उपद्रव वाले, ये बड़े फ्लक्चुएशंस वाले 6 महीने रहने जा रहे हैं।
मैं 6 ही महीने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के जो प्रभाव हैं ये अगले सूर्य ग्रहण तक ही ज्यादातर वैलिडेट रहते हैं। तो ज्यादातर ये जो सूर्य ग्रहण के प्रभाव हैं हमें नवंबर एंड तक ही नजर आएंगे। और अगर हम बात करें मौसम की, तो इस सूर्य ग्रहण में हमें जो बारिश है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, और उस बारिश की वजह से बाढ़ या बाढ़ के कारण काफी ज्यादा खराबियों के भी आसार बन रहे हैं। और ये सारे के सारे जो आसार है ना, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या साउदर्न जो स्टेट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, और इसकी वजह से इस बार भी महंगाई काफी बढ़ने जा रही है। और मुझे इवन प्याज के दाम भी जो हैं इस अगले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा हाइट को टच करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि प्याज के दाम जो हैं एक पैटर्न है, हर 3-4 साल बाद एक बार बहुत हाइट टच करते हैं, और वो आशंका है कि इस साल में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि जो नेगेटिव भविष्यवाणियाँ होती हैं ना, उनके गलत होने पे मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती, पर फिर भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है। तो सूर्य ग्रहण खाली नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहे हैं, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पिछले 6 महीने जो हैं कोविड के कारण बहुत त्रस्त करने वाले 6 महीने रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर बुध का एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो बुध हैं कारक प्रसार के और नक्षत्र है मृगशरा, तो यहाँ पे जो रिलीफ कार्य है ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। कुछ एक ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से जनता को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो। वैक्सीनेशन जो है ये बहुत अभूतपूर्व तरीके से लोगों तक पहुंचने वाली है। अगले 6 महीने जो हैं ये वैक्सीनेशन के 6 महीने रहेंगे, इसको लिख के रख लीजिए। और इसके बाद एक और चीज़ है, एक तरह का षड्यंत्र भी इस सूर्य ग्रहण से सामने आ रहा है। कुछ एक एलिमेंट्स जो सरकार के इन अच्छे कार्यों से खुश नहीं होंगे, वो फेक प्रोपेगेंडा के थ्रू, फेक सोशल मीडिया के अकाउंट्स के थ्रू कुछ ऐसा प्रसार, कुछ कुप्रचार करेंगे जिसकी वजह से भी बहुत टेंशन का या उपद्रव का माहौल बन सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर यह सूर्य ग्रहण जहां कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज को कुछ नुकसान होने की आशंका बता रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से कुछ एक बड़ी अच्छी घोषणाओं के थ्रू लोगों को रिलीफ मिलने की आशा भी दे रहा है। तो सूर्य ग्रहण का ये था हाल देश दुनिया के लिए। आपकी राशियों के लिए, आपके लग्न राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में ये सूर्य ग्रहण क्या बदलाव लेके आ रहा है, आपको किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कौन सी आदतें अपनानी होंगी, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।